हेलो दोस्तों, टॉलिटल गेमर में आपका स्वागत है दोस्तों। और बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो हटके है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसी पांच गेम जो आपको खेलनी ही चाहिए। ये पांच पांचों के पांच गेम एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में अवेलेबल है, और वो पांच गेम का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि बेस्ट है, ना कि मेरे हिसाब से बल्कि पूरी दुनिया ने इसे बेस्ट चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गेम, आज की पांच गेम। तो लेट्स बिगिन। आज हम डिस्कस करेंगे पांच ऐसे गेम जो के ग्राफिक्स, गेम प्ले और सारी क्वालिटीज में, सारी कैटेगरीज में परफेक्ट फिट होती है और एडिक्टिव भी है। तो एडिक्टेड अलर्ट मैं पहले रखूँगा कि अगर आप किसी चीज़ या किसी गेम से एडिक्ट नहीं होना चाहिए चाहते तो डाउनलोड मत करना, क्योंकि अगर एक बार आपने इन गेमों को खेलना शुरू कर दिया तो शायद आप रुक नहीं पाओगे। और आई नो के आप में से काफ़ी जो गेमर्स हैं उनकी लिस्ट में तो ये पांच में से तीन चार या पांच पांच गेम होनी होगी, और अगर नहीं है तो भी ऐड कर लो। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। पाँचवें नंबर पे इस लिस्ट में मैंने रखा है मोबाइल लेजेंड्स को। दोस्तों मोबाइल लेजेंड्स एक ऐसी गेम है जिसमें आपको वो डेंजन हंटर टाइप का मैप मिलेगा और पबजी का गेम प्ले मिलेगा। बेसिकली इसमें आप अपने कैरेक्टर को वर्ल्ड बनाकर ग्लोब के साथ कनेक्ट करके मल्टीप्लेयर 5v5 पबजी की तरह ही खेल सकते हो। डिफरेंस ये है कि पबजी एक रियलिस्टिक गेम है और ये कुछ डिफरेंट गेम है, काफ़ी हटके है, काफ़ी अलग है, और ये चीज़ इसको एक खास बनाती है। अगर आपने डेंजन हंटर जैसी गेम्स खेली है तो आपको ये खेलनी चाहिए, क्योंकि इसका गेम प्ले पबजी जैसा है और डेंजन हंटर जैसा मैप वगैरह है। तो बेसिकली ये एक काफ़ी कूल गेम है जिसमें आपको बैटल जीतनी होती है, और अगर आपने एक बार इसको खेलना शुरू कर दिया तो आप एडिक्टेड हो जाओगे इस गेम के साथ। दोस्तों इस गेम के प्ले स्टोर पे 100 मिलियन डाउनलोड्स, 4.4 रेटिंग और साथ ही साथ में टॉप 2 ऑन ग्रोसिंग एक्शन में शामिल हो जाते हैं, और यही बात इसको और ज़्यादा खास बनाता है। आपको ये गेम ट्राई करना ही चाहिए। अभी डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में अवेलेबल है। अभी डाउनलोड कीजिए मोबाइल लेजेंड्स को। दोस्तों नंबर 4 में ये लिस्ट पे आती है मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस। दोस्तों मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस मॉडर्न कॉम्बैट सीरीज़ का एकदम लेटेस्ट गेम है, और ये गेम में आपको एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, किलिंग और काफ़ी सारे रोमांचक मजा आएगा। मतलब दोस्तों बेसिकली ये गेम बेस्ड है शूटिंग MVP FPS ऑनलाइन कनेक्शन गेम पे। दोस्तों ये गेम में बेसिकली आपको कनेक्ट होना पड़ता है वर्ल्ड ग्लोब के साथ, जिसमें आपकी चार एजेंट्स की टीम आती है और सामने वाले चार एजेंट्स की टीम आती है, और इसको आपको आगे बढ़ाना पड़ता है आपकी टीम को जिताने के लिए। सामने वाली टीम के दुश्मन एजेंट्स को मार के खुद ही में आपको हीरो बन के MVP ले जाना पड़ता है। बेसिकली मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस इसी के लिए फेमस है शूटिंग के ऊपर, और इसके ग्राफिक्स काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी ख़तरनाक है, और साथ ही साथ में आपको इतना एक्साइटमेंट कोई और गेम में देखने को नहीं मिल सकता। और मॉडर्न कॉम्बैट के सारे गेम्स ले लो आप, 5 ब्लैकआउट ले लो या 4 ले लो, सारे हिट है और ये भी हिट ही है। और इसको मैंने 4 नंबर पे रखा है क्योंकि जो 3, 2 और 1 जो गेम है वो इससे कहीं गुना बेहतर है, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रखा ये बेकार गेम है, ये बहुत बढ़िया गेम है और पूरी दुनिया में, पूरे प्ले स्टोर में मिलियन बिलियन गेम्स है और मैंने इनको टॉप 5 में रखा है, तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। बेसिकली ये गेम लव का प्रेजेंटेशन है तो ऑफकोर्स होगा और बेहतर ही होगा, और इसमें आपको अलग अलग एजेंट्स मिलेंगे, अलग अलग एजेंट्स की स्किन मिलेगी और अलग अलग एजेंट की अलग अलग एबिलिटीज होगी, जो कि ये गेम को रोमांचक बनाने में कमी नहीं छोड़ेगी। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे आती है गैंगस्टा
वेगस। गैंगस्टर वेगस बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड स्टोरी बेस्ड गेम है जिसको प्रेजेंट किया है गेम लॉफ्ट में, जो कि गैंगस्टर का 4th इंस्टॉलमेंट है। दोस्तों गैंगस्टर का 5 इंस्टॉलमेंट आ गया है एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, लेकिन ये 4th इंस्टॉलमेंट जितना बेटर नहीं है। 4th इंस्टॉलमेंट में आपको हाई ग्राफिक्स ड्राइविंग, हाई ग्राफिक्स किलिंग, हाई ग्राफिक्स हाई न्यूक्लियर वेपन्स और कहीं सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको और ओपन वर्ल्ड गेम में नहीं मिलेंगे। लैम्बोर्गिनी से लेके हेलीकॉप्टर से लेके एरोप्लेन तक, यहाँ से लेके जिंगल बेल तक, टैंक से लेके सब कुछ आपको ये गेम में मिल जाएगा। दोस्तों इस गेम में आपको रेसिंग कार, न्यू कॉस्ट्यूम, क्लासिकल कार, रेट्रो कार, नाइट्रो कार, फ्लाइंग कार, जंपिंग कार से ले टैंक से लेके अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग रोबोट कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ मिल जाएगा। और इसकी स्टोरी लाइन इतनी थ्रिलिंग और इतनी एक्साइटिंग है कि आपको अलग अलग चैप्टर्स खेलने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, लेकिन आप वेट नहीं कर पाओगे। और उसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इसके स्टोरी के अलग अलग पार्ट है, मेन स्टोरी पार्ट जिसमें फ्रैंक विलियानो रहते हैं और मेन विलन जिसमें इसमें हमारे पार्टनर्स भी रहते हैं वीरा, ईमैन, खैरिन, और इन सब के साथ मिलकर हमको मिशन खेलना पड़ता है। जिस स्टोरी में आपको काफ़ी खतरनाक स्टोरीज मिलेगी और पार्टनर्स के साथ मिलकर आपको सारे मिशन कंप्लीट करना होते हैं, मेन विलन को डिफीट करना होता है, और आप में इसको थोड़ी इमोशनल स्टोरी भी मिलेगी एक दो पार्ट में। और काफ़ी खतरनाक गेम है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी हाई ग्रेंटेड ओपन वर्ल्ड गेम है। ये बेसिकली मैं 2.5 साल से खेलता आ रहा हूँ और ये गेम ने मेरे को कभी भी बोर्ड नहीं फील करवाया। इसमें इवेंट्स भी आते हैं जैसे कि एलियन इवेंट्स, जोम्बी इवेंट्स, सोलो इवेंट्स, गैंग इवेंट्स, और ये एक ऐसी गेम है जिसको खेलते खेलते आप थकोगे नहीं। बेसिकली इसके डाउनलोड्स 50 मिलियन से भी ज़्यादा है और इसकी रेटिंग भी 4.5 अप है, लेकिन ये बेसिकली टॉप 10 में ही नहीं आया, उसमें नहीं आती, लेकिन ये गेम लॉफ्ट की हाई ग्राफिक्स गेम है। दोस्तों नंबर 2 और नंबर 1 के लिए आपको एक हाई डिवाइस चाहिए, जो कि मैं नंबर 2 और नंबर 1 गेम को बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी हाई ग्राफिक्स है और उसके लिए आपको अच्छा डिवाइस भी चाहिए। तो वो देखने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आपका डिवाइस हाई है या नहीं। बेसिकली हाई डिवाइस का मतलब ये नहीं कि मेगा डिवाइस, बेसिकली हाई डिवाइस जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो चलिए नंबर 2 और नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे जो गेम है इसे नंबर 2 पे गेम है इसे कौन नहीं जानता। दोस्तों नंबर 2 पे जो गेम है वो रिलीज से लेके अब तक ट्रेंडिंग 1 पे है, इसके डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा गेमर जिसने ये गेम नहीं खेली होगी। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक ये गेम फेमस है। वो गेम है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स, जिसे हम शॉर्ट में पबजी बुला सकते हैं, बुलाते हैं। तो दोस्तों ये गेम बेसिकली दोस्तों 100 प्लेयर्स को एक आइलैंड पे ड्रॉप किया जाता है और फिर आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है, गन्स ढूंढ के, व्हीकल्स ढूंढ के, एक्सप्लोर करके, बंदों को मार के, आखिरी में 100 में से नंबर 1 पे आके चिकन डिनर करना पड़ा है, जिसको हम शॉर्ट में बोले तो ये एक बैटल रॉयल गेम है। बेसिकली आप इसमें 100 on 100 नहीं बल्कि 30 वाला भी खेल सकते हो। मिनी जोन, क्विक जोन, वॉर मोड, आपके अलग अलग वॉर आएंगे, अलग अलग मैप है, अलग अलग नई नई वेपन्स है। बेसिकली दोस्तों ये एक खतरनाक गेम है जिसमें आपको ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ साथ बैटल रॉयल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मतलब। और यहाँ पे विंटर मोड भी चल जा रहा है अपडेट में। बेसिकली ये जो ट्रेलर है ये अपकमिंग गेम प्ले है और काफ़ी खतरनाक। दोस्तों ये गेम के ऊपर यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स ने मूवी भी बना दी है, शॉर्ट मूवी भी। और दोस्तों यूट्यूब पे आप कोई भी गेमिंग चैनल या कोई भी, अभी तो सारी ही चैनल, काफ़ी सारी चैनल ये गेम को खेल रही है, चाहे वो गेमिंग चैनल ले लो या कोई अलग कंटेंट की चैनल ले लो जिसका गेमिंग से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी गेम की लाइव स्ट्रीम करता है ये गेम खेलते वक्त। और ये एक ओवेसम गेम है। और दोस्तों इसको मैंने सेकंड प्लेस पे रखा है क्योंकि नंबर 1 पे जो आने वाली है वो तो ठराम गेम है, मतलब उसकी तो बात ही कुछ और होगी। लेकिन ये गेम की अब कुछ मैं आपको डिटेल्स दे दे रहा हूँ। दोस्तों 50 मिलियन प्लस डाउनलोड, 4.4 रेटिंग
उसके साथ ही टॉप वन एक्शन ग्रोजिंग ऑल टाइम बेस्ट में डिक्लेयर हो चुकी है ये गेम। और बेसिकली दोस्तों अभी सभी शहरों में, सभी जगह में, छोटे से गांव से लेकर बड़ी सिटी में ये गेम हर एक कोने कोने में, हर एक ग्रुप में, हर एक मोहल्ले में खेली जाती है। बेसिकली दिस इज नाउ अ रियल ट्रेंड, और ये ट्रेंड कब ख़त्म होगा मालूम नहीं, शायद ये ट्रेंड ख़त्म ही नहीं होगा मेरे को लग रहा है। दोस्तों नंबर वन पे आ रही है वो गेम जिसे मैं 24/7 खेलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है एस्फाल्ट 9 लेजेंड। इस गेम को रिलीज़ हुए बेसिकली एक वीक हो चुका है और मैं इसको कंटिन्यूसली खेल रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरी रेसिंग। यू नो बेसिकली मैं इसे खेलते खेलते कभी नहीं थका हूँ और शायद थकूँगा भी नहीं। जब से ये गेम रिलीज़ हुआ है तब से लेकिन अब तक मैं ये गेम को कंटिन्यूसली खेल रहा हूँ। मैं और कोई गेम पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, यही खेल रहा हूँ बस, और यही खेलूँगा भी। काफ़ी ऑसम गेम है, इसके ग्राफिक्स आप देखो तो आप इसको PS4 के रेसिंग गेम्स के ग्राफिक से कंपेयर करो तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसकी रेसिंग स्टाइल बेसिकली एस्फाल्ट की सीरीज ही है ये। एस्फाल्ट 8 ले लो, एयरबॉर्न ले लो, एस्फाल्ट 7 हिट ले लो, कोई भी एस्फाल्ट ले लो, गेम लॉफ्ट ने ये सीरीज़ को रियलिस्टिक ऑल टाइम बेस्ट रेसिंग बनाने की कोशिश की है। और अब तक का बेस्ट रेसिंग एंड्रॉयड के लिए एस्फाल्ट 8 हुआ करता था, लेकिन एस्फाल्ट इससे 100 गुना 1000 गुना बेहतर एस्फाल्ट 9 है, जिसमें आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया कार, बढ़िया से बढ़िया ट्रैक, रियलिस्टिक ट्रैक, वो ट्रैक जो जिसमें कहीं में तूफान मोड भी आ जाएंगे, और ऐसी रियलिस्टिक ट्रैक जो आपको रियल फील करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और इसके नाइट्रोइंग सिस्टम, 360 डिग्री सिस्टम इस गेम को और भी बढ़ाती है, और मैं इस गेम से काफ़ी दिख देता हूँ पबजी से भी ज़्यादा बेहतर लग रही है मेरे को ये गेम, क्योंकि बेसिकली मैं इस गेम को 24 खेलता हूँ, मेरा पूरा टाइम टेबल भूल जाता हूँ, मेरी स्टडी टाइम भी भूल जाता हूँ, और इसी गेम में मेरा फोकस लगा रहा हूँ। और बेसिकली तो जस्ट रिलीज है, अपडेट आने के बाद क्या होगा, जब इस गेम के अपडेट्स आएंगे इस गेम में और इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा। मतलब दोस्तों दिस इज एन एपिक एस्फाल्ट 9 लेजेंड, सच में लेजेंड है। बेसिकली दोस्तों इस गेम के 4.6 रेटिंग के साथ ही मैं सिर्फ इस गेम के 1 मिलियन डाउनलोड है, क्योंकि ये गेम को रिलीज़ हुए अभी एक वीक हो चुका है इस गेम को रिलीज़ हुए। और बेसिकली अभी जैसे जैसे लोग इस गेम के बारे में जानेंगे, ये गेम फैलेगा, ये गेम वायरल होगा, तभी इस गेम का रियल जो है वो पता चलेगा। वेल दोस्तों, ये थी वो 5 गेम्स जो खेलने लायक है, और ये आपने नहीं खेली और ये आपकी इनमें से एक भी अगर आपकी गेम लिस्ट में नहीं है तो आपकी गेम लिस्ट पूरी बेकार है दोस्तों। वेल मैं आपको मेरी गेम लिस्ट बता रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों ये रही मेरी गेम लिस्ट, जो कि पबजी, एस्फाल्ट 9, गैंगस्टर 4 यानी कि गैंगस्टर वेगस, मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस, तो ये 4 तो मैंने ये लिस्ट में डाले ही थे। 5वां था मोबाइल लीजेंड्स, लेकिन दोस्तों मोबाइल लीजेंड्स अच्छा गेम है काफ़ी, लेकिन मैंने उसको बहुत खेला तो बेसिकली कोई भी गेम है बहुत ज़्यादा खेल लेता हूं, तो मैं उससे बोर हो जाता हूं। लेकिन पबजी और एस्फाल्ट 9 ऐसी गेम है जो मैं 24/7 खेलता हूँ और बोर नहीं होता हूँ, इसीलिए दोस्तों मैंने ये गेम को तो टॉप 10 में रखा है। गैंगस्टर वेगस भी ऐसी गेम है जो मैं 2.5 साल से खेल रहा हूँ, जो कि इसके अपडेट मेरे को अट्रैक्ट रखते हैं। मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस भी मैं 2 महीने से खेल रहा हूँ। और दोस्तों डिजन हंटर चैम्पियंस मोबाइल लेजेंड्स से ही मिलती जुलती गेम है, लेकिन दोस्तों मेरे को ये गेम मोबाइल लेजेंड्स ज़्यादा पसंद है, और मैंने ये गेम को लिस्ट में नहीं डाला इसीलिए, क्योंकि शायद आप ये ऑफेंड हो जाते और आप इसको मोबाइल लेजेंड से कंपेयर करने के बोलते कि इसके जगह मोबाइल लेजेंड होनी चाहिए थी। और मेरे सारे दोस्तों ने, मेरी सारी रिसर्च ने ये कहा कि मोबाइल लेजेंड ज़्यादा पॉपुलर, तो मैंने इस लिस्ट में मोबाइल लेजेंड को डाला, वो मैंने खेल लिया इसीलिए मैंने मेरी लिस्ट में नहीं रखी। लेकिन दोस्तों ये मेरी लिस्ट है गेम की जिसमें एस्फाल्ट मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है, पबजी बेस्ट लग रहा है, गैंगस्टर 4 ये 3 तो दोस्तों बेस्ट ही है, बर्नन कुमार वर्सेज भी अच्छा गेम है लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, और डेंजर हंटर भी काफ़ी कूल गेम है। तो ये टॉप 5 गेम है जो मैं खेलता हूँ और बेसिकली काफ़ी खतरनाक गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, अभी खेलिए। बाय बाय, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ। अभी गेमिंग के रिलेटेड और न्यूज़ आती रहेगी।